अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों को अपने अपने जिलों में पहुंचने हेतु ड्यूटी में तैनात होमगार्ड घनश्याम को घर वापसी के समय मोहल्ले के कुछ दबंग युवकों ने, जो लॉकडाउन में घर से बाहर जमघट लगाने को लेकर मना करने के कारण दबंगों ने मिलकर हमला कर दिया, जिससे वर्दी भी पूरी तरह से फट गई। घटना के बावजूद भी प्रार्थी ने अपनी सेवा जारी रखी व बड़ा थाने में मामले की जानकारी दी, पर उन्होंने गुजानी चौकी को स्थानांतरित किया। अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। अब देखना है कोरोना की इस महाजंग में योगदान दे रहे योद्धा को न्याय मिलेगा या दबंगों के दबाव के चलते प्रशासन मूक दर्शक बना रहेगा। लगातार दबंग होमगार्ड को अपने दबाव में लेने का प्रयास कर रहे हैं कि पीड़ित कोई कार्यवाही ना करे। कानपुर से संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपको भैया? घनश्याम मिश्रा। घनश्याम जी, कहाँ आपकी ड्यूटी लगी और क्या हुआ था, घर आए थे आप? मैं होमगार्ड घनश्याम मिश्रा कानपुर नगर से हूँ। मेरी ड्यूटी इस समय कोविड-19 में ट्रैफिक लाइन से लगी हुई है, ये प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं इनको घर तक पहुँचाने के लिए, इनको अपने अपने गृह जनपद तक पहुँचाने हेतु लगी हुई है। तो कल मैं सुबह ड्यूटी गया हुआ था, तो वहाँ से आज मैं वापस आया हूँ, तो मैंने भी जो है कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई नहीं की जा रही है। और किस तरीके से क्या हुआ था, कहाँ घर है आपका और कहाँ आए थे और किन्होंने आपको मारा पीटा है? हमारा जरौली सेकंड में घर है, ML 692। वहीं पास में कुछ लोग जो है 10-10, 15-15 लोगों के झुंड लगा के बैठते थे, तो 2-3 दिन से मैंने उनको टोका 2-3 बार, तो टोकने पर उन्होंने हमारे साथ जो है परसों शाम को उन्होंने हमारे साथ मारपीट की और हमारी तब वर्दी ये सब फाड़ दिया जो है। क्षेत्रीय थाने में आपने सूचना इस प्रकार की दी थी? जी, सूचना दी थी, 112 नंबर भी बुलाई थी, उनको भी अवगत कराया था, लेकिन कोई हमारी सुनाई नहीं। वो जो जिन लोगों को मैं मना करता था वो सारे लोग एक हो गए। एक होने के बाद वो अपनी महिलाओं को लेकर चौकी पर आ गए, उन लोगों ने अपना जो है वर्चस्व दिखाया, मैं अकेला जो है होमगार्ड क्या करें बताइए। अभी तक मुकदमा पंजीकृत किया गया आपका कि नहीं किया गया? अभी नहीं, मुकदमा पंजीकृत अभी नहीं किया गया। दरोगा जी क्या कह रहे हैं? दरोगा जी ने कहा है चलो देखते हैं जो है। कितने घंटे हो गए, कितने दिन हो गए जो अभी तक मुकदमा पंजीकृत आपका अभी भी नहीं किया? हमने अभी दिया था, वही हम लोगों के साथ ऐसा अत्याचार होगा इस समय, हम लोग अपनी जान हथेली पर लगाकर जो है सेवा कर रहे देश की। चौकी इंचार्ज साहब बताया कि वो मोहल्ले के सभी लोग एक हैं, जब हम भीड़ को मना करेंगे तो वो सभी लोग तो एक हो ही जाएंगे, हम तो अकेले वैसे भी रह जाएंगे। अब अभी तो हमें नहीं लग रहा है कुछ, कोई कार्रवाई नहीं, उन्होंने एप्लीकेशन ले ली, बोले जाइए। हमने थाने पर गए थे, सेकंड अफसर बैठे थे, उनको जो है अवगत कराया, इसके बाद फिर वहाँ दे दिया उन्होंने, यहाँ के लिए रिकमेंडेड कर दिया, तो यहाँ चौकी पे आकर दे दिया है। चौकी गुजैनी ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। दूर से बना। अगर आज मेरे साथ ऐसा हो रहा तो कई एक मेरे ऐसे भाई हैं पुलिसकर्मी, होमगार्ड भाई, तो ऐसे तो अगर ऐसे हम मारे जाएंगे तो रोज यही होता रहेगा। हमारा नाम घनश्याम मिश्रा है, होमगार्ड। मैं इस समय ट्रैफिक में तैनात हूँ, मेरी ड्यूटी कोविड-19 में लगी हुई है, जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनको गृह जनपद तक पहुँचाने के लिए ड्यूटी मेरी लगी हुई है। मैं वहाँ से ड्यूटी से परसों जो है वापस घर आया, तो मोहल्ले के कुछ लोगों ने जो है मुझ पर मारपीट कर दी, क्योंकि मैं 2-3 दिनों से उनको लगातार मना कर रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा, 8-8, 10-10, 15-15 लोगों को जो है बैठाल के और क्रिकेट खेलना गलियों में और ना मास्क लगाना कुछ नहीं, जबकि मोदी जी का भी कहना है, योगी जी का भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों लोगों का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, कोविड-19 महामारी बहुत ही गंभीर महामारी है और हम लोग अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सेवा कर, भीड़ एकत्रित करने को उनको मना किया तो उसी से वो लोग हमसे जले हुए थे। तो परसों जब मैं शाम को ड्यूटी से घर वापस आया रात को वही 7-7:30 के आसपास, तो उन्होंने हमारे ऊपर अचानक रोक कर मोटरसाइकिल और हमला कर दिया और हमें मारा पीटा, हमारी वर्दी भी फाड़ दी, ये सब वर्दी अर्दी सब फाड़ दी। बताइए क्या करें, हमारे साथ कहाँ जाएं, किसको बताएं?
हमने इंस्पेक्टर साहब को अप्लीकेशन दी हुई है बर्रा थाने में, वहाँ से उन्होंने रिफर कर दी यहाँ चौकी इंचार्ज महोदय के लिए। चौकी इंचार्ज महोदय को भी मैंने अप्लीकेशन अपनी दे दी है, तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं मामले को। उन्होंने आज मैंने अप्लीकेशन दी, 312 नंबर पर कॉल की थी, तो 100 नंबर आई तो मैं यहाँ चौकी पर आया, यहाँ से भी मुझे टरका दिया गया। मेरे लिए उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई। विपक्षी लोगों को वो महिलाएं लेके आ गए और उन लोगों ने विरोध जताया और हमारे ऊपर कोई हमारी कार्रवाई उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमें टरका दिया गया। ये हमारी जो है योगी जी से भी हमारी विनती है कि हमको न्याय दिलवाया जाए, हमको न्याय दिलवाया जाए, बस यही मेरी। मुकदमा हमारा पंजीकृत क्या, उन्होंने उसी एप्लीकेशन पे दे दिया है, मुकदमा अभी नहीं पंजीकृत किया, उन्होंने इधर रिफर कर दिया है। अभी किसी गिरफ्तारी नहीं, वो दबंग लोग सब घूम रहे हैं ऐसे और उल्टी सीधी बातचीत करते। आज मैं जब कन्नौज से प्रवासी मजदूर छोड़कर आज मैं जब वापस आया दोपहर को, तब भी उल्टी सीधी बातचीत कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। मैं ये कर दूंगा, होमगार्ड है ये कर दूंगा, वर्दी उतरवा दूंगा, फलाना कर दूंगा, ये सब जो है कह रहे थे। अब बताइए हम क्या करें। हम ये बहुत बड़ा कोरोना योद्धा बनता है, ये जो है ये मना करता है, इसी पहले मार लो इसको, पीट लो। हाँ, मेरी पत्नी मुझको बचाने आई थी तो उनको भी दो डंडे हाथ में जो है, एक हाथ में एक पैर में डंडा लगा हुआ है, उसका अभी भी जो है निशान है। अपील है कि मेरी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया जाए और मेरी स्वाभिमान की रक्षा की जाए और वर्दी की रक्षा की जाए।